हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, BS3 ऑटो आपे का है और इसका हेड देखिए काम होकर के आ गया है, तो इसको हम सेट कर लेते हैं। तो सेट करने के लिए इसके देखिए एक इनलेट वाल्व और एक एग्जास्ट वाल्व बल्ब होते हैं, तो बल्ब दोनों बल्ब को लगा करके इसको हम लॉक को अच्छी तरह से लगा देते हैं। स्प्रिंग और कैप यानी कि हेड को पूरा हम कंप्लीट कर लेते हैं, सिर्फ टाइट करना रह जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको ठोक लेते हैं ताकि अच्छी तरह से इसका जो लॉक होता है अच्छी तरह से बैठ जाए। उसे बैठाने के बाद चलिए इसका हम हेड गैस्केट को लगा लेते हैं। तो इसमें देखिए 6 mm का हम हेड गैस्केट लगा रहे हैं और हम 6 mm का ही लगाना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ना ज़्यादा हाई होगा ना ज़्यादा लो रहेगा, तो उसको थोड़ा साइज पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए। उसे लगाने के बाद चलिए फ्रेंड्स, नोजल मेरा ये टाइट हो गया। नोजल मेरा पुराना ही है, सिर्फ इसको सर्विसिंग कराया है, सिर्फ सफाई कराया है। और उसे कराने के बाद चलिए फ्रेंड्स, इसका हम सीआर बैरिंग को हम टाइट कर देते हैं। ब्लॉक पिस्टन लगा करके सीआर बैरिंग को कनेक्टिंग को हम टाइट कर देते हैं। तो रिंग डालते वक्त वीडियो नहीं बनाया फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे चैनल पर 4-5 वीडियो ऐसे भी ब्लॉक पिस्टन का डाला हुआ है, तो आप उसे जा कर के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कनेक्टिंग को हम अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। और ये देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा कनेक्टिंग टाइट हो गया है। और इसका देखिए फ्रेंड्स, इंजन में जो मेन जो काम होता है एक मैकेनिक का, इसका TDC सही करना चाहिए, क्योंकि TDC अगर सही रहेगा तो इंजन के अंदर में खिंचाई की कमी कभी नहीं होगा, कभी भी शिकायत नहीं होगा प्रॉब्लम खिंचाई की। जो भी ऑटो ड्राइवर ऑटो मालिक रहेंगे, वो खिंचाई का शिकायत कभी नहीं आपके पास करेंगे कि मेरा गाड़ी टान नहीं रहा है। तो TDC का विशेष ध्यान रखना चाहिए, TDC इसका बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि नया करेंक है, नया कनेक्टिंग है और नया ब्लॉक पिस्टन है, तो इसका TDC तो इधर उधर होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए, ब्लॉक पिस्टन को मैंने असेंबल कर लिया है ब्लॉक क्रेंक केस में, और ये लाल रबड़ लगा करके हेड को हम टाइट करते हैं। तो लाल रबड़ देखिए हेड में भी बैठा लिया है और क्रेंक केस में भी बैठा लिया है। तो दोनों बैठाने के बाद पुश रॉड पाइप को हम लगा देते हैं, और लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से हम टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरा लाल रबड़ बैठ गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि और भी ऑटो वाले भाई को हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, हेड लगाने के बाद में पुशरड इसमें हम डाल दिए हैं। पुशरड देखिए इसमें दो है, जो कि अंदर वाला जो केम फ्लावर होता है फ्रेंड्स, वो इनलेट वाल में लगता है, और बाहर वाला जो है एग्जास्ट वाल में लगता है। इस बात का ध्यान रखें, ना तो उल्टा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए स्टड में सुलेशन को अच्छी तरह से एना बोन्ड को हम लगा दिए हैं, और लगाने के बाद फिर हम चिड़िया रॉकर सेट को इसमें हम सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए रॉकर सेट, इसको हम सेट कर लेते हैं। तो सेट बहुत आसानी से हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं होता है, बहुत इजी हो जाता है। दो इसमें स्टार्टिंग वाला जो है चिड़िया, वो बाहर वाला केम फ्लावर में लगता है, इनलेट वाला जो है सो कि अंदर वाला रहेगा। तो इसको विशेष हम टाइफिट मिलाएंगे तो फिर बात करेंगे फ्रेंड्स इसमें। चलिए इसको हम अच्छी तरह से फटाफट नट बोल्ट लगा करके हम टाइट कर लेते हैं। तो टाइट करने के लिए देखिए हेड का जो है सो कि वाशर ज़रूर डाले, बिना वाशर का टाइट ना करें नट, क्योंकि इसमें जो वाइब्रेशन जब होता है तो हेड का नट जो है सो कि हीट होकर के थोड़ा सा इधर उधर होने का चांस होता है। तो इसको अच्छी तरह से वाशर दे करके पूरा संतुष्टि के साथ इसको टाइट कर दीजिए। और जब भी इसको टाइट कीजिए तो कोना कोनी टाइट कीजिए, अगर स्क्वायर में कीजिएगा तो सही से नहीं बैठेगा, तो 13 नंबर का गोटी हैंडल से टाइट हो जाता है। इसको हम टाइट कर लेते हैं, और टाइट करने के बाद फिर फ्रेंड्स चलते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा हेड टाइट हो गया है। और हम लोग लोकल गैरेज में फ्रेंड्स ऐसे ही अंदाज से काम करते हैं, हम लोग के पास कोई टॉर्क वैसा व्यवस्था नहीं होता है, और ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, क्योंकि उतना ज़्यादा वो नहीं है। अगर आप संतुष्ट से काम कीजिएगा, अच्छा से धैर्य से काम कीजिएगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता है। एक बार का इंजन बांधा हुआ 3 से 4 साल इसका लाइफ हो जाता है, चलता है।
तो फ्रेंड्स उधर हेड टाइट करने के बाद, रॉकर सेट करने के बाद, चलिए सपोटा का जो सील होता है इसको हम लगा लेते हैं, क्योंकि गर्मी का समय है तो सील के ऊपर में भी थोड़ा सा एना बोन्ड हम लगा लेंगे सोलेशन को, रेसिव बोन्ड को, ताकि हीट होने से बचे, लीकेज होने से, क्योंकि गर्मी में अधिकतर शिकायत लीकेज का ही होता है। तो वैसा भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, अगर आपका ब्लॉक पिस्टन अगर सही है तो लीकेज ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता। लीकेज तभी होता है जब इंजन इंजन बैक कंप्रेसर हो या फिर क्रैंक में कोई प्रॉब्लम हो, तभी ऐसा लीकेज करता है, नहीं इन्हीं दो कारणों से करता है, तीसरा कोई कारण नहीं होता है। तो लीकेज कोई लीकेज अगर माने तो बहुत बड़ा कारण है, और न माने तो बहुत छोटा है। तो फ्रेंड्स ये मैग्नेट क्वाइल को हम 8 नंबर बोल्ट को लगा करके इसको अच्छी तरह से हम टाइट कर लेते हैं, और टाइट करने के बाद इसका जो फ्लाई व्हील है उसको इसमें फिर हम इंसर्ट करेंगे। तो इसको लगाने से पहले एक बार इसको अच्छी तरह से चेक कर ले, कहीं से वायर कटा तो नहीं है, चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो इसको अच्छी तरह से एक बार क्वाइल को चेक करने के बाद ही इसमें इंसर्ट करें। तो फ्रेंड्स ये मेरा देखिए मैग्नेट क्वाइल लग गया है, और अंदर का इसका जो फ्रेंड्स इंजन कवर है वो टूट गया था, तो इसको मैंने नया रिप्लेस कर दिया, नया चेंज कर दिया है, क्योंकि इसको नहीं देंगे तो हवा जो है सो इंजन को पूरा नहीं लगेगा। अगर इसको पिछला वीडियो में आपने देखा होगा तो उसमें टूट गया था, तो इसको मैंने नया डाला, इसका 750 कीमत है, तो थोड़ा सा पार्ट्स भी कॉस्टली बढ़ रहा है रेट इसका, तो पार्ट्स को चलिए ये देखिए साइड पैनल को मैंने लगा लिया है फ्रेंड्स, साइड पैनल भी इसका टूट गया था, इसमें साइड पैनल नहीं था तो इसमें मैंने नया साइड पैनल को लगवा दिया, ताकि इंजन का जो हवा जो कूलिंग जो सिस्टम है फ्रेंड्स, ये हवा अच्छी तरह से इसको मिलना चाहिए, चारों तरफ से पैक रहेगा तो ही इंजन ज़्यादा गर्म नहीं होगा, अगर थोड़ा भी वीक होगा हवा तो इंजन थोड़ा हीटिंग प्रॉब्लम करेगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स ये देखिए फ्लाई व्हील हम इसको 22 नंबर का अंदर में बोल्ट होता है, तो 22 नंबर का गोटी हैंडल से इसको हम टाइट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये कभी भी जो है सो कि उल्टा थ्रेड इसमें होता है, तो देखिए खोलने की तरफ हम टाइट कर रहे हैं इसको, जिधर से बोल्ट खुलता है जनरल बोल्ट उधर हम टाइट करते हैं, तो उल्टा थ्रेड है तो उल्टा खुलेगा, तो उस फ्लाई व्हील का बोल्ट पर विशेष ध्यान दें। तो फ्रेंड्स वो मेरा फ्लाई व्हील टाइट होने के बाद चलिए इसको हम टाइफिट को सेट करते हैं, और टाइफिट सेट करने के लिए देखिए फ्रेंड्स हर एक वीडियो में मैंने बताया कि सिर्फ एक ही थ्योरी से मिलाते हैं, उसी थ्योरी से कंप्रेसर पर करने के बाद में हमको तो संतुष्टि होता है, और भी तरीका है, एक वाल्व दबने के बाद एक बैठने के बाद मिलाया जाता है, तो ऐसा हम नहीं करते हैं। तो इसको कंप्रेसर पर फुल कर लीजिए, और कंप्रेसर पर करने के बाद दोनों टाइफिट को हल्का सा 0.10 mm गैस से इसका क्लियरेंस दे दीजिए, तो इसका क्लियरेंस स्टैंडर्ड हो जाता है, जबकि चिड़िया में कोई घाट नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये मेरा देखिए टाइफिट पूरा एकदम सेट हो गया है, एक्यूरेट हो गया है, इसमें थोड़ा सा भी प्ले नहीं, एकदम नाम मात्रा का प्ले हम रखे हैं, क्योंकि सारा पार्ट्स नया है तो इसमें प्ले होने का तो नाम ही नहीं होता है, लेकिन हल्का फिर भी हल्का देना पड़ेगा 10 गेज तक इसका डिस्टेंस। तो देखिए मेरा उधर आयल फिल्टर भी टाइट हो रहा है, और इधर इंजन मेरा लगभग कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स, 50 से 70% कंप्लीट हो गया है, अब थोड़ा सा कसर है, तो इसको फटाफट से रेडी कर लेते हैं, इसको फिर ऑटो के पास लेकर के चलते हैं, और ऑटो में चढ़ाते हैं इसको, दिखाते हैं कि इसमें कैसा साउंड निकल रहा है, कैसा आवाज़ है इसका, आप कमेंट करके बताइएगा कैसा इसका साउंड आपको लगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें फ्रेंड्स, यही मेरा रिक्वेस्ट है, और इस विशेष में क्या बोलूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा ये चैम्बर प्लेट टाइट हम कर देते हैं, चैम्बर प्लेट टाइट करने के लिए देखिए जहाँ भी जॉइंट है फ्रेंड्स मैंने पैकिंग कहीं भी नहीं दिया है, सिर्फ सुलेशन लगा करके और नट बोल्ट हम लगा करके टाइट कर दिया, पैकिंग इसमें कहीं भी नहीं दिए हैं, और पैकिंग देंगे तो गर्मी का समय है, थोड़ा सा भी लीकेज होने का रिसने का थोड़ा सा चांस बन जाता है, तो इंजन के अंदर में पैकिंग नहीं दे तो अच्छा है, क्योंकि जब तक अगर आप बिना पैकिंग लगाएंगे तो एक फ़ायदा है कि जब तक वो पार्ट्स खुलेगा नहीं तब तक वहाँ से लीकेज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये इंजन को कस करके मेरा ये पूरा कंप्लीट इंजन हो गया है, तो इसको हम ऑटो के पास लेकर के आ गए हैं, और इसमें जॉइंट पैकिंग लगा करके इंजन को हम चढ़ाते हैं, और फटाफट से इसको हम स्टार्ट करके दिखाते हैं कि इसका साउंड कैसा है, क्योंकि जो भी काम हुआ है फ्रेंड्स आपके सामने कोई इसमें लुका छिपी नहीं है, जेन्युइन काम है मेरा। तो फ्रेंड्स एक बार रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरा वीडियो को मेरे चैनल को प्लीज़ प्यार दुलार दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसको इंजन को हम पूरा गेयरबॉक्स में ज्वाइंट कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं,
थोड़ा होता क्या है ना फ्रेंड्स कि नया नया अकेले होने की वजह से कभी शूट भी करना पड़ता है, कभी वीडियो भी काम भी करना पड़ता है, तो दोनों काम एक साथ करने में थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा कोई त्रुटि हो तो उसके लिए सॉरी आप सबों से, क्योंकि पूरा वीडियो को हम क्लियरिटी नहीं दे पाते हैं ना पूरा उतना कर पाते, क्योंकि अकेला सब करना पड़ता है फ्रेंड्स, तो मेहनत तो लगता है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो में कमी लगे उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। तो देखिए फ्रेंड्स, इंजन को चढ़ा करके गियरबॉक्सा में अटैच कर लिए हैं और नीचे से हम जक लगा करके इसको फिर हम सारे पार्ट्स को, एक एक पार्ट्स को, साइलेंसर हो गया, टैपिट कवर हो गया, मोबिल गेज, आयल जो भी है इसमें डाल करके रेडी करके हम इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसका साउंड हम आपको सुनाते हैं कि कैसा आवाज़ इसका निकल रहा है, पूरा वीडियो को देखें। तो फ्रेंड्स ये मेरा लगभग देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है और इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट तो मेरा हो गया है लेकिन थोड़ा सा इंजन ज़्यादा रेस है, इसको थोड़ा हम कम रेस को करते हैं। अब देख थोड़ा सा पिटी पिटी आवाज़ आ रहा है, साइलेंसर इसका ओल्ड मॉडल का थोड़ा सा लोकल साइलेंसर है जिसकी वजह से आवाज़ आ रहा है। तो आवाज़ तो ऐसा ठीक है फ्रेंड्स, आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको हम रेस भी करेंगे, रेस करने के बाद में कैसा इसका आवाज़ लगा। थोड़ा सा इसको स्पीड को थोड़ा सा कम करते हैं तो 10 नंबर का देखिए फ्रेंड्स, गवर्नर का बोल्ट जो भी वीडियो में पिछले वीडियो में आपने देखा था जैसे सेट किया था वही सेटिंग है सब, और उसी सेटिंग का सिर्फ नीचे का जो स्पीड कंट्रोलर है उसको थोड़ा सा हम खोल करके इंजन को हल्का रेस कम कर रहे हैं ताकि ऊपर का और मीडियम वाला जो है सो जस्ट का तस सेट किया हुआ है। तो देखिए इसको सेट करने के लिए कोई मीटर हम लोग के पास नहीं होता है, बस मैनुअली देख लेते हैं एक अंदाज़ अनुभव के आधार पर सेट कर लेते हैं तो ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स मेरा बिल्कुल जो है सो इंजन देखिए स्लो हो गया है, थोड़ा सा स्टार्ट जब इसको किए तो थोड़ा रेस हो गया था तो इसको हम थोड़ा स्लो किए नीचे का बोल्ट खोल करके, तो मेरा इंजन बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड साउंड हो गया। और मेरा जो हेल्पर है वो स्प्रिंग लगा दिया था स्टोक लीवर में तो जिसकी वजह से रेस हो गया था, नहीं तो रेस नहीं होता। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इसको स्पीड बढ़ा करके देखते हैं क्या इसका कंडीशन है साउंड का, कोई मिस फायर कर रहा है, कोई ब्लैक स्मोक दे रहा है, क्या दे रहा है। तो फ्रेंड्स इसको देखिए नीचे का जो बोल्ट है इसको हम अच्छी तरह से टाइट कर लिए हैं, सेट कर लेते हैं न इंजन ज़्यादा रेस है न कम है। तो देखिए अब हम इसको हम रेस कर रहे हैं, आप साउंड को देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा साउंड है आपको, कैसा साउंड इसका अच्छा लगा खराब लगा जो भी है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इसको हम रेस कर रहे हैं, देखिए अब साउंड को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए रेस कर रहे हैं, कितना ज़्यादा ब्लैक धुआं भी नहीं है, मैंने हल्का है फर्स्ट बार रेस कर रहे हैं इंजन चालू होने के बाद। तो देखिए साउंड भी बिल्कुल कोई मिस फायर नहीं है, बहुत अच्छा साउंड निकल रहा है इसका इंजन में, के साउंड में कोई मिसिंग नहीं है क्योंकि सब नया सामान पड़ा हुआ है। तो देखिए अगर सही अगर इंजन के अंदर में सामान पड़ेगा तो इसका आवाज़ भी अच्छा निकलेगा, अगर ख़राब सामान पड़ेगा इंजन के अंदर में तो ख़राब आवाज़ निकलेगा। तो फ्रेंड्स लगभग मेरा इंजन ओके हो गया है और साउंड भी बहुत अच्छा है, देखिए कितना अच्छा आवाज़ निकल रहा है, कोई भी मिसिंग नहीं है, कोई स्मोक नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मेरे वीडियो को प्लीज़ आप प्यार दुलार देते रहिए, यहाँ तक आ गए तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप